guys, this is Asian financial crisis. We are discussing this because some of you have asked doubts on this. So this Asian financial crisis, ये क्यों हुआ था? इसमें हम generally five factors को broadly discuss करेंगे. तीन इसमें से हमारे internal factors हैं जो हमारा एशिया से related है majorly, और दो हमारे external factors हैं कि एशिया के बाहर क्या हो रहा था जो कि उनको एशिया को इम्पैक्ट कर रहा था नेगेटिवली. सो फर्स्ट इंटरनल फैक्टर इज़ पुअरली रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट. सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट. बहुत सारा मतलब बेसिकली उससे पहले क्या था कि कंस्ट्रक्शन ये बोला जाता था कंस्ट्रक्शन विल हेल्प फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो बहुत ज़्यादा लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे थे बट वो अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट नहीं कर रहे थे. उनको बीच में रोक के और ज़्यादा लोन ले रहे थे. एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया था. विल डिस्कस इन डेप्थ. एंड देयर वॉज नेपोटिज्म. नेपोटिज्म इन लेंडिंग मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है वो ऐसे लोगों को लेंड कर रहा था जो उनके फैमिलीज थी, रिलेटिव्स थी, ऐसे लोगों को लाइसेंस दे रहा था, पैसे दे रहा था कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो कि उनसे रिलेट करते थे समहाउ. मतलब एक करप्ट एक्टिविटी हो रही थी, एक लॉबिंग काइंड ऑफ सिचुएशन हो रहा था. जब भी हम लोग प्रॉपर फेयर मार्केट वाले तरीके से लोन नहीं देते हैं तो हम लोग एक्चुअली सब ऑप्टिमल लेवल पे बिहेव कर रहे होते हैं. ऑप्टिमल लेवल क्या होता है? जो हमारा मैक्स रिटर्न प्रोवाइड करे जब भी हम लोग किसी भी तरह का लोन दे रहे हैं. तो सब ऑप्टिमल क्या होता है कि हमारा जो लोन जो हमें रिटर्न मिल सकता था वो रिटर्न हमें नहीं मिलता है, उससे कम रिटर्न मिलता है क्योंकि हमने अपने जान पहचान वाले लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड किया होता है. सो दिस इज़ नेपोटिज्म. इसकी वजह से भी क्राइसिस हुआ. फोर्थ फैक्टर एक्सटर्नल फैक्टर इज़ बहुत सारी एशिया की जो करेंसीज हैं वो यूएस डॉलर्स की टर्म्स में फ़िक्स की हुई थी और यूएसडी उस टाइम बहुत अच्छे से यूएसडी ग्रो कर रहा था. एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी करेंसीज डेप्रिशिएट हो रही थी या डीवैल्यूज हो जा रही थी. और जब इन कंट्रीज़ ने सोचा कि चलो हम एक्सपोर्ट करते हैं तो इन्होंने अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्शन इनक्रीज़ कर दिया. बट सारी कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रही थी एक्सपोर्ट के परस्पेक्टिव से. देयरफॉर सप्लाई इंक्रीज़ हो गई. सप्लाई इंक्रीज़ हो गई तो एक्सपोर्ट का प्राइसेस रिड्यूस हो गया. सो दीज आर दी फाइव केसेस. वील जस्ट डिस्कस देम इन डेप्थ. सो एक्चुअली एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस पता ही नहीं चला था जब तक थाई भात ने जुलाई 1997 में ड्रास्टिकली डी वैल्यू नहीं किया था. उसके बाद पता चला कि ठीक है बहुत ज़्यादा हम लोगों का क्राइसिस हो रहा है. उसके बाद जो ये बैंक करप्ट वाली सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई थी. और अगर एक या दो कंट्रीज़ में बैंक करप्ट जैसी सिचुएशन है या कोई क्राइसिस जैसी सिचुएशन चल रही है तो वो स्प्रेड हो जाती है, जिसको स्पिल ओवर भी बोलते हैं या फिर ग्लोबल कंटेंजियन, कि एक जगह से दूसरी जगह वो चीज़ स्प्रेड हो रही है सबसे. और उसके बाद फिर हम लोगों को पता चला था जब कोरिया में भी ऐसा ही एक डेट वाली सिचुएशन आई थी और उसके बाद थाई कंपनी ने भी अपना वो थाई कंपनी वॉज नॉट एबल टू मीट द फॉरेन डेट पेमेंट जो उन्होंने लोन लिया हुआ था. उसके बाद मलेशिया में, फिलीपींस में, इन सारी कंट्रीज़ ने जिन्होंने वेस्टर्न बैंक से लोन लिया हुआ था ये पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे अपने लोन्स को. और इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी और इंडोनेशिया का लिंक साउथ अमेरिका और रशिया के साथ भी था जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बेसिकली एक्सपैंड होती जा रही थी. जो कंट्रीज़ इस टाइम पे फेयरली अच्छा परफॉर्म कर रही थी देवर ऑफ कोर्स यूएसडी एंड हांगकांग डॉलर. हांगकांग डॉलर क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट्स को वो बार बार बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करे जा रहे थे, लार्ज रनअप्स इन इंटरेस्ट रेट, एंड देवर हैविंग गुड सपोर्ट फ्रॉम देयर पीपल्स बैंक ऑल्सो. तो इसकी वजह से वो फिर भी बेटर परफॉर्म कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू अदर एशियन कंट्रीज. द कॉज ऑफ एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. नाउ वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द कॉजेज. सो फर्स्ट इज पुअरली रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट्स. थर्ड वर्ल्ड डेट क्राइसिस जो इससे पहले आपने पढ़ा होगा वो एक्चुअली सॉवरन डेट की वजह से हुआ था. पर एशिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स हो रही थी वो प्राइवेट डेट की वजह से हो रही थी, जो वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ले रहे थे लोन प्राइवेट इन्वेस्टर्स से, उनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एक्चुअली तो हेल्प करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, बट इस केस में क्या हो रहा था, बहुत ही कम लेंडर्स थे जो बार बार लोन दिए जा रहे थे फॉर दीज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स. पर ये जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट नहीं हो रहे थे, इनको मिड में ही रोक दिया जा रहा था
कंप्लीट नहीं हो रहे थे तो ऑब्वियसली आप सेल नहीं कर सकते हैं उनको, और उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स के लिए लोग लोन ले रहे थे. अब जब आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट्स सेल ऑफ नहीं हुए हैं तो फिर आप लोन पे ऑफ कैसे करोगे? बट क्योंकि वो आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली है, आपका नेपोटिज्म चल रहा है, देयरफॉर वो आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी लोन दे रहे हैं. सो दिस लेड टू बेसिकली ओवर सप्लाई प्रॉब्लम इन द मार्केट, एंड ये हम लोगों का नेपोटिज्म की वजह से हो रहा था. मतलब व्हेन फंड और लाइसेंस एलोकेशन इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट, दोज विद द प्रोजेक्ट्स विद हाईएस्ट एक्सपेक्टेड मार्जिनल रिटर्न्स आर द वंस लाइकली टू अट्रैक्ट द फाइनेंस और रिसीव द लाइसेंसेस. बट हम वैसा नहीं कर रहे थे तो हम लोग सब ऑप्टिमल लेवल पे चल रही थी इकोनॉमी. तो एक्चुअली क्या हो रहा था, हमारा जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं वो तो रिड्यूस नहीं हो रहे थे, बट हम लोगों का जो रिटर्न है वो रिड्यूस हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा फेलियर होना बहुत ज़्यादा ऑब्वियस था कि होएगा ही. सो दीज वर थ्री फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या थे कि बहुत सारी हम एशियन कंट्रीज़ ने अपना USD के टर्म्स में पैक किया हुआ था अपने एक्सचेंज रेट को, और उस टाइम पे डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चल रहा था, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को नुकसान हो रहा था. क्योंकि आपका डॉलर स्ट्रॉन्ग है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी करेंसी उतना परफॉर्म नहीं कर रही है, हमें अपने एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, उतना ज़्यादा प्राइस नहीं मिलेगा, वैल्यू नहीं मिलेगा. एंड देन अ फर्दर फैक्टर वॉज द ग्लट ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाई दी एशियन इकोनॉमीज़. हम लोग बेसिकली जो एशियन इकोनॉमीज़ है वो प्रोड्यूस कर रहे थे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में, स्पोर्टिंग गुड्स में, क्लोथिंग में, एक्सेट्रा. एंड कंज्यूमर्स हु हैव इन्जॉयड डिफ्लेशन इन अ लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द रीजन. बट इसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोग अपना डेट पेमेंट नहीं कर पा रहे थे. अगर हम लोगों को अपने एक्सपोर्ट के लिए बहुत कम प्राइसेस मिल रहे हैं, उतना रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों ने जो लोन लिया हुआ है वेस्टर्न बैंक से लिया हुआ है, या जो हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स ने या बाकी इंडस्ट्रीज़ ने प्राइवेट बैंक से लिया हुआ है, वो उसको वापस ही नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज़ एक्चुअली द पैराडॉक्स ऑफ कंपोजिशन. मतलब एनी वन कंट्री सच एज कोरिया, थाईलैंड, हैड इट एक्सपेंडेड प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ऑन इट्स ओन, दे वो अपना आराम से बेच पाते हैं उनको. मतलब अगर सिर्फ एक या दो कंट्रीज़ अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती तो वो आराम से अपने एक्सपोर्ट्स को सेल ऑफ कर पाते विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइसेस. बट प्रॉब्लम क्या हो गया, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक साथ अपना प्रोडक्शन एक्सपेंड कर दिया, और अलॉन्ग विद अदर नेशंस ईस्टर्न यूरोप ने भी कर दिया, वो भी अमेरिका को एक्सपोर्ट करने लग गया. सो ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस इज चाइनाज एमर्जेंस एज अ मैन्युफैक्चरिंग पावर विच हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंट्रीज रैपिड ग्रोथ. एक तो पहले वो अपना हाई इंटरेस्ट रेट मेंटेन कर रही थी, और उसके बाद उन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग पावर की तरह से दे ग्रो अप विच हेल्प देम टू ग्रो एट फर्दर हायर रेट्स. उसके बाद ही हमारा ब्रिक क्रिएट हुआ. सो दिस द रिजल्ट ऑफ द कलेक्टिव सक्सेस इन प्रोडक्शन हैज़ बीन टू लोअर द प्राइसेस और रिड्यूस हो गए. बहुत सारे और कॉजेज हैं इसके अंदर, और मेजरली हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा फिक्स्ड रेट्स था एशियन करेंसीज़ का, वो उसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है इस फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर. आई होप एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आपको क्लियर होगा. हमने जो 5 फैक्टर्स डिस्कस किए थे विच लेड टू द एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, वो भी हमने अच्छे से डिस्कस किया. पुअरली रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट, क्रोनिज्म, पैकिंग ऑफ मेनी ऑफ द ट्रबल्ड कंट्रीज टू द USD एंड एक्सपेंशन ऑफ वर्ल्ड सप्लाई. अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ पूछ लेना. टेक केयर. अर्जेंटीना क्राइसिस भी आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट.